पार्षद पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर बीते 3 दिनों से नोडल अधिकारी कार्य बहिष्कार कर नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे थे। नोडल अधिकारी के साथ हुए विवाद को देखते हुए विभाग के अन्य कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए थे। शनिवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और कर्मचारियों के बीच चली वार्ता में कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को पार्षद द्वारा कर्मचारियों से किए गए विभिन्न मारपीट की घटनाओं को बताया, जिसके बाद नगर आयुक्त ने जाफरा बाजार के पार्षद इरशाद अहमद के खिलाफ हुई इन घटनाओं की अपर नगर आयुक्त से जांच करवाकर उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए शासन को पत्र भेजने का आदेश कर दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि कर्मचारी और पार्षद एक साथ मिलकर काम करें, अगर किसी भी उसको समस्या है तो नगर निगम के अधिकारियों से सीधे बात करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए जल्द ही एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। पार्षद पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति संघ ने हड़ताल समाप्त कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम समन्वय समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषनाथ पांडे और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, जरूरी है तो कहे कि एक ही जल सरोवर है कि आप लोग सड़क पर जिंदगी है संभालते हैं, संभाल ले सिस्टम के पार्ट उसी का मध्य पहले आप बता लीजिए। सर आए दिन घटनाएं घटती जा रही है, यदि एक समाप्त नहीं हो रहा दूसरा जो है शुरू हो जा रहा है, तो ये जो विश्वास वास्तव के साथ घटना घटी है तो सर सरकारी लिस्ट को जो फाड़ दिया गया और रिजेक्ट किया गया, इतनी महत्वपूर्ण योजना की जाँच के लिए जो वो गए थे और निश्चित रूप से यह जो है बहुत ही अशोभनीय काम है और सरकारी कार्य में बाधा है, तो इस पर जो है वह आपकी तरफ से सर जो कोई कार्रवाई है तक मतलब संज्ञान में नहीं लिया गया। हम लोग 3 दिन से जो है वो बैठे आपकी तरफ से पूरे प्रकरण को देखने के लिए आपको निकटवर्त में नामित भी कर दिया गया है और ऐसा नहीं है कि हमने आपसे बात नहीं की, बात संज्ञान में नहीं लिया गया है, कोई चीज़ किनारे नहीं है और सिर्फ मेरे की बात नहीं है, पूरे प्रकरण के कमिश्नर साहब ने चर्चा की, डीएम साहब ने चर्चा की, तो बार बार इसके द्वारा 5 कर्मचारियों को जो बेइज्जत किया जा चुका है और एक निगम के जो है आपका जो 2 गलदार जो है सड़क बना रहे थे, जो जितना उसको मटेरियल मिला था जो लेकर के गए उसको पटक दिखा पटक पटक के मारे और हम लोग संदूक से आप नहीं थे, हम लोग महापौर महोदय बैठे थे, हम लोग लेकर के गए और महापौर महोदय तुरंत जो उसको फोन लगाए, फोन पर ही माफ़ी मांगने लगा, बहुत उन्होंने जो है वो किया और बात आगे नहीं बढ़ी, वही खत्म हो गई। तारीख तो दे दी गई है कुछ ना नहीं एफआईआर वगैरह हुआ कि नहीं कर, अब 2-3 बार जो है जा चुके वहाँ जो है अभी तक जो है वो संभवतः है जो है नहीं कर दी है। कल जो है वो सुपरवाइजर को जो है वो सरकारी संपत्ति पर जो है तो समस्या सर जो है समस्या जो है सर ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से या जो है वो है इसे नहीं समझने वाली है, जिसके मूल में जाने की आवश्यकता है क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं। सर जो है हर आदमी आक्रोशित है, चाहे सभासद हो, चाहे कर्मचारी हो या चाहे पब्लिक हो, तो ऐसा क्यों जो है वो है समस्या हो रही है, तो इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। अभी जियाउल इस्लाम जो है यहाँ आकर के फर्जी मनगढ़ंत, जबकि ये जो है फरहान अहमद हैं, ये इनकी ड्यूटी ही नहीं लगी, एकदम परिचित हैं जो वो कह रहे हैं कि सब ये है, ऐसा नहीं है कोई वार्ड का पूरे नगर निगम से हम लोग दे रहे हैं, वो दूसरा क्या कर रहा है उससे मुझे सर मेरा आपसे कहना कि हम लोग एक सिस्टम के लोग हैं, हमारे आपके हवाल से आने से लोगों का काम प्रभावित हो रहा है, चाहे जो है प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाए, चाहे किसी आदमी टैक्स जमा कराना बंद हो जाए, भाई अभी टैक्सेशन विभाग काम करना बंद हो जाएगा, अगले महीने तनख्वाह नहीं निकलेगी, पैसा नहीं रहेगा, तनख्वाह किसकी तनख्वाह नहीं निकलेगी, हमारी आपकी तो तनख्वाह नहीं निकलेगी, कि पार्षद साहब को थोड़ी तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह किसकी नहीं निकलेगी, हमारी आपकी नहीं निकलेगी, रोजमर्रा कैसे किसके बंद हो जाएंगे, नगर निगम के बंद हो जाएंगे, सफाई कर्मी काम नहीं करेगा, सब यही सब पैसे से तो उसको वेतन दिया जा रहा है, रोजमर्रा के दस काम हो रहे हैं, आखिर हम काम ना करें किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, और ऐसा काम गलती भी उन्होंने की उल्टा हम अपने नुकसान करें, कहाँ है आपने एक मैसेज देना था, वो आपका मैसेज हर आदमी तक, चाहे पार्षद तक हो, चाहे अधिकारियों तक हो, मैं मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ भी हम लोग इस तरह की समस्या रखेंगे, सर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, हम महापौर के भी लगे हुए हैं, उनकी बड़ी
जो बीच की जिम्मेदारी होती है, सेतु बनाना, तालमेल बनाना, अभी आपने दीदी को कहा यहाँ बैठा दिया जाए या महापौर के पद पर बैठा दिया जाए, तब अलग तरह से आप देखेंगे क्या समस्या है। इन सब चीज़ों को दूर करना है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो बातें आपको कहनी है ज्ञापन के माध्यम से EM साहब, DSP साहब, कमिश्नर साहब, सबको एक बार आप दे भी चुके हैं, हम लोगों को मिले थे, हम लोग भी मेयर के माध्यम से बच्चों को सूचित भी करवाए थे, लेकिन अपना अब आप लोग जो समाप्त करें, हम लोगों की भी इच्छा यही है। लेकिन सर जो इस पर हमको आप उपाय बता देखो, लेकिन पे लाके मत छोड़ना, हमको आप उपाय बता देना कि साहब नगर निगम अब कैसे चलेगा। हमें आप देखो, आप एक महीने काम मत करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, दो महीने काम न करो, छः महीने अपने सारे साथियों को लेके जाओ बैठो, लेकिन आप उपाय हमें बता दो कि साहब हम काम तो नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा एक सोल्यूशन है जिससे आपका नगर निगम का काम एकदम बढ़िया चलता रहेगा। अगर कोई उपाय बता सकते हो तो हड़ताल मत करो, हड़ताल करो आप, लेकिन अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते, हड़ताल का उद्देश्य मैसेज देना होता है, ये भी वो मैसेज आपने अपना दे दिया है, वही समन्वय समिति बनवाई जा रही है कि इसमें कम से कम 5 पार्षद रहे, महापौर जी अध्यक्ष रहे, हमारे सभी विभागों के चीफ इंजीनियर हैं, डायरेक्टर साहब, अकाउंटेंट रहे, अपर नगर आयुक्त, सब लोग उसके मेंबर रहे। अभी कोई छोटी मोटी बात आए तो तुरंत वहाँ पे रखा जाए, और कोई अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो उसके लिए तहरीर दिया जा रहा है, जहाँ भी हुआ FIR है, पुलिस विवेचना करेगी, पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, पुलिस का काम करके हम अपराधी कर सकते हैं। आपको अगर कोई चार थप्पड़ मारेगा तो वो अपराधी श्रेणी में आएगा, लेकिन हम भी उसके जवाब में किसी को मारेंगे तो वो भी अपराधी श्रेणी में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसका तरीका है। आप हर आदमी से मतलब कोई समस्याएं बातचीत करके ही सुलझती है, कोई एकदम रिजिड बने रहना का कोई उपाय है तो बताओ, हम भी हमारी 20 समस्याएं, आप सिर्फ एक समस्या है। पहले भी सर विवाद हुआ करते थे, तो पहले एक आदेश हुआ करता था यहाँ से, जो है जैसे आप कह रहे सर की कमेटी बना दिए गए, तो एक आदेश हुआ था सीधे माननीय पार्षद पंचायत से बात नहीं करी, जो भी समस्या है माननीय महापौर से माननीय नगरायुक्त महोदय के समक्ष रखेंगे, उस विभाग के विभागाध्यक्ष के पास जाएगा। रोज अभियान भी चल रहा, काम भी बहुत है, नगर निगम में आप लोग देख रहे हो, काम आ रहे हैं, हम लोग नगर आयुक्त हैं, डॉक्टर साहब वहाँ खड़ा हो के साथ उनमें नाला खुलवा रहे हैं, नालों पे दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है, जिसके सामने पत्थर हटाई है वही लड़ने के लिए तैयार है, उसको इससे मतलब थोड़ी है, नाला उसके नीचे जाम है, उसको तो बस अपनी दुकान दिख रही है कि साहब हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम कहाँ रोजी रोटी लेके जाएंगे, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे 2 किलोमीटर तक पानी सिर्फ इसलिए बंद है कि उसके नाले पत्थर के नीचे मिट्टी जमीन पर उठे, तो आइए तो लड़ने के लिए कर्मचारी से बेवजह जो काम होने ना कर ऊपर भी दबाव बनाते हैं। अब उनको भी मैसेज, जो मैसेज आप चाहते थे ये मैसेज उनको भी जा चुका है, और उनसे भी बात हमारी हुई है, जियाउल इस्लाम से, तबाज अंसारी से, और भी सभी लोग हैं, और इधर से राजेश विश्वकर्मा इसे सभापति मेरे साथ से भी यही बात हुई है कि कोई बात अगर कर्मचारी तक कहना है तो आप उसके अधिकारी के माध्यम से कहिए, उससे कोई ना जाए तो लीजिए कि स्टोर से सामान लेना है, आप स्टोर प्रभारी से ऑर्डर कराइए, वो ऑर्डर कर दें, पूरे स्टोर का सामान आप लिए जाओगे, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं है, इंडेंट नहीं है, तो आप अनावश्यक स्टोर के कर्मचारी या चौकीदार से भी बात नहीं करेंगे। जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो हम लोग भी करवा दे रहे हैं, कोई घटना आपके साथ व्यक्तिगत हुई, आप सिस्टम का पार्ट हो, हमारे चपरासी को भी हमारे अर्दली को कोई थप्पड़ मार देगा तो वो नगर आयुक्त को मारना होता है, आपको किसी ने जरा से बोल दिया, गली विरोध किया, तो वो हमारे लोग एक सिस्टम के मुखिया हैं और सब लोग मिलते हैं, तब जाके एक नगर आयुक्त का पद खड़ा होता है। नगर आयुक्त मतलब कोई प्रेम प्रकाश सिंह नगर आयुक्त नहीं है, यहाँ का एक सफाई कर्मी से लेकर के जब हर आदमी मिलता है तब एक पद खड़ा होता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सर 13 तारीख को कुछ लोग आ गए थे आपके पास, मगर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन आपके इसी तरह के सर वहाँ 5-7 पार्षद बैठे थे और यहाँ से जाकर तुरंत जो बवाल कर दिए, आपने कर दिया ये मतलब अरे चलाना चाहिए था, आप थोड़ा सा नहीं कर दिए, मतलब जैसे अरे
फाड़ दिया तो चलाना चाहिए था जो हुआ है क्या ये सब अब उसका जो हो दुष्परिणाम होगा तुम्हें जहाँ से सब मान उलझ जाए आप किसी से उससे कोई जरूरत नहीं है मारपीट करे ये हिचक दे दिया आप उसको मैं इसकी तारीफ को थाने में भेजूंगा जो भी चीजें आती हैं ऐसा नहीं है सर, आप इसके बजाय सर की हिम्मत नहीं है सर की कुछ करवाए आप सर को क्यों बताएं हमें कोई किसी के साथ जरूर व्यवहार करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा वो आदमी खुद जानता है नहीं जानता है सर लेकिन पाँच मिनट के अंदर ऐसे भी नगर आयुक्त रहे हैं कि पाँच मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच जाते रहे हैं हम लोग भी आएंगे नहीं और तीन दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं सर जो कोई अधिकारी या जो है संज्ञान लेने तक जो नहीं हो पहले दिन भी आप लोग आए तो भी आप लोगों से बात की यही बात जो है विजय सिंह तो थे ही नहीं इनके खिलाफ जो है चार मारपीट थी जो मुकदमे इनके द्वारा हो गए हैं पुरानी सारी रिपोर्ट निकाल ली ठीक है और फाइल बनाकर शासन को पत्र जाएगा सदस्यता समाप्त करने के लिए पुलिस में जांच अधिकारी नामित कर दी पहले वो चारों शिकायत ले लीजिए चारों शिकायत लेकर के चारों की जांच अपन नगर आयोग से जांच कराई जाएगी ठीक है और फिर सदस्यता समाप्त करने के लिए शासन को पत्र ये अनुरोध करूँगा कि हम इतने लोग हैं हम सब लोग नगर निगम में एक उद्देश्य को लेके आए हैं और वो उद्देश्य है लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना एक गुड गवर्नेंस लाना ये जरूर होता है कि कार्य करते हुए भी छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं लेकिन इसमें सफ़र कौन करता है कौन झेलता है कौन परेशान होता है ना हम परेशान होते हैं हमने भी तीन दिन काम छोड़ के ये किया पार्षद जी जनप्रतिनिधि हैं वो तो इन सब चीज़ों से उनसे कोई मतलब नहीं होता हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग होके बाहर जाएंगे उनको हमेशा यही रहना है पब्लिक तमाम आती है उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं कोई उलझे हुए आया हुआ है सुबह ही कार्यालय खुलने से पहले 9 बजे ही आ गया प्रतीक्षा कर रहा है बड़े बाबू कहाँ है बड़े बाबू आए तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि वहाँ विवाद हो गए हर आदमी इस बदलती परिस्थिति में तनाव में है जो आदमी है जिसका काम है उसकी अलग तनाव है पता नहीं उसके घर की क्या पृष्ठभूमि है क्या समस्याएं हैं सरकारी कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसके पास भी समस्याएं कम नहीं है यानी इस माहौल में नौकरी करना बहुत टफ है जो काम कराने आ रहा है उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं लेकिन हम जब सर्विस करते हैं हम इसी कार्य के लिए स्पेशलाइज लोग हैं तो हमारी ड्यूटी उनकी अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है कि सिस्टम को बनाए रखें व्यवस्था को बनाए रखें और जब व्यवस्था को बनाए रखने वाला आदमी हड़ताल करता है तो दो प्रश्न आते हैं नंबर एक कि उसके साथ जरूर कुछ ज्यादती हुई है दूसरा कि वो कार्य में लापरवाही बरत रहा है तो हमें अपना एक मैसेज देना था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है सबने उस मैसेज को दे दिया कमिश्नर साहब के यहाँ भी आपके हड़ताल की चर्चा हुई डीएम साहब के यहाँ भी चर्चा हुई एसएसपी साहब के यहाँ भी चर्चा हुई जो कार्रवाई के लिए आपने दिया था वो कार्रवाई हो चुकी है हम जो मैसेज देना चाहते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है वो आपने मैसेज दे दिया लेकिन जो दूसरी चीज़ है लोगों को ये न लगे कि नगर निगम अपना मैसेज देने के बहाने कार्य ठप कर दिया या कार्य बंद कर दिया या पिछले 2 दिन जो कार्य हमने नहीं किया है अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम कार्य पे आ रहे हैं उस बैकलॉग को रात दिन लग के पूरा करेंगे 2 दिन में जो आदमी आया है उसका काम नहीं हुआ है उसका काम आज हम निपटाएंगे तो आपने जो मैसेज देना था जो संदेश देना था वो सभी तक जा चुका है और अब विश्वास रखिए कि नगर निगम एक परिवार है परिवार के हम भी सदस्य हैं वो भी सदस्य हैं और हम सब लोग मिल के एक समन्वय समिति के माध्यम से बेहतर विकल्प रखेंगे पार्षद गणों को भी मैं इस बात के लिए हमेशा कहता हूं कि आपका कोई काम हो तो आप प्रॉपर माध्यम से आइए कर्मचारी भी जो हैं वो इस बात को कहें कि साहब हमारे ये अधिकारी हैं वो ही आदेश करते हैं मैं कोई हमारा सर्विस प्रोवाइड करने का गुड गवर्नेंस बनाने का वो हम उस लक्ष्य को पूरा करें बैकलॉग है उसको शीघ्रता से पूरा करिए हड़ताल समापन की घोषणा करते हैं साथ ही नगर आयुक्त महोदय को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह 3 दिन के हड़ताल में जो भी नगर निगम की क्षति हुई है या वसूली बाधित हुई है या जो भी कार्य बाधित हुए हैं उसको हम लोग अतिरिक्त समय दे करके
उसकी भरपाई करेंगे, यह पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। शेषनाथ पांडे अध्यक्ष केंद्रीय कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष समन्वय समिति। हमारा हड़ताल 13 तारीख से जो है चल रहा था, वार्ड संख्या 49 के सभासद इरशाद अहमद द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर थे। तिवारीपुर थाने द्वारा FIR दर्ज कर दिया गया है, नगर आयुक्त महोदय द्वारा हमारी मांगों को सुना गया है और उस पर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी मांग थी कि FIR दर्ज किया जाए, FIR दर्ज हो गया, हम अपने कार्य पर जो है वापस हो गए। हड़ताल समाप्ति की घोषणा नगर आयुक्त महोदय द्वारा भी के अनुरोध पर हम लोगों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी है। सभी नगर निगम के अधिकारियों, सभी कर्मचारियों से बात हुई है। सभी लोग इस बात से उद्वेलित थे और आक्रोशित थे कि ये संबंधित वार्ड के पार्षद द्वारा ये चौथी या पांचवी घटना है जिसमें कर्मचारियों को साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पूर्व में भी संबंधित पार्षद द्वारा इस तरह की 4 घटनाएं की जा चुकी हैं। सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया है कि इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक समन्वय समिति का भी गठन किया जाएगा महापौर जी की अध्यक्षता में, जिसमें समस्त पार्षदगण रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही साथ हम भी पार्षदगणों से आग्रह करेंगे कि यदि कोई कार्य हो तो उसके लिए वो संबंधित अधिकारी से वार्ता करें, न कि कर्मचारी से किसी किस्म का विवाद हो। तो कर्मचारी को भी बताया गया है कि यदि कोई उनसे संपर्क करता है तो वो स्पष्ट अवगत कराएं, उनसे संबंधित फलाधिकारी के पास वो जाएं और संपर्क करें, तब वो उनके आदेश का पालन करेंगे और समन्वय किसी किस्म का कोई विवाद अगर आता है तो समन्वय समिति के समक्ष उसको रखा जाएगा और सभी अधिकारी और महापौर महोदय मिल के भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न होने पाए हम इसको सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो मारपीट की है, इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इसमें पुलिस निर्णय लेती है। सभी लोगों ने अपनी अपनी तहरीर दोनों ही पक्षों ने थाने में दी है और जो उसमें उचित कार्रवाई होगा उसके लिए पुलिस जो भी निर्णय लेगी वो उनका अपना पक्ष है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते।